टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बेसिक है, इसको अच्छे से समझेंगे, आगे हम क्वेश्चन भी कराएंगे, थ्योरी पढ़ते हुए चलेंगे, समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है ये समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। क्या सर, बी और सी जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो टू होनी चाहिए। अगर सपोज दैट ए की वैल्यू जीरो हो गई, आपने ए यहाँ पे जीरो रख दिया, जीरो समथिंग मल्टीपल जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन बचेगा। ठीक है, यानी कि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर दो चाहिए, तो दो पावर हमारी बची रहेगी। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, सफिशिएंट इतना ही। ठीक है, आगे समझेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको हमें देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। ठीक है, फॉर्मूला समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख ले रहे बेटा, समझना आप लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री। सभी को एक साथ ले आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x, 4 प्लस 1 ये आपका 5 हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर आ गया, प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस की ये आपका 6x और प्लस के 8 इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने फॉर्मूला देखा था, जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या इस फॉर्म का है? बिल्कुल है। अगर ये टर्म नहीं भी होता तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेकंड समझेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है आपका, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए। ठीक है, u इस 2 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो 2x माइनस के 6, इन सभी को इधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 1, और ये इधर आएगा तो प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा यहां पे कितना है? 1 है, जो कि 0 नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे आप, इन दोनों का यहां पे मल्टीपल करना है, तो बेटा मल्टीपल समझ लो, मैंने पहले ही बताया है आपको, इसका मल्टीपल एक बार यहां, फिर इसका यहां। ठीक है, फिर इसका मल्टीपल यहां, फिर इसका मल्टीपल यहां। ठीक है, इसी टाइप से आप मल्टीपल समझेंगे, x का आप इसमें 2x कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा x माइनस के 6x और आपका माइनस के 3 इक्वल टू, इस x का मल्टीपल अंदर करेंगे आप तो x स्क्वायर प्लस के 5x, इन सभी को इधर लेके आ जाओ आप, तो 2x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर, और देखो ये प्लस के x है, ये माइनस के 6x है, तो माइनस के 5x और माइनस के 5x इधर आ जाएगा, ये आपका। ठीक है, यहां पर क्या बचा? माइनस के 3 इक्वल टू जी, समझे बेटा, 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर कितना बचा आपका? x स्क्वायर प्लस का माइनस के 5x और माइनस के 5x आपका माइनस के 10x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर ले बेटा, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट और एग्जांपल अभी हम दे रहे हैं, एक बार चेक कर ले, इनको नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बेटा समझेंगे अच्छे से, एक बार दिखा दें सर इनको, नेक्स्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, देखते हैं, मल्टीपल करेंगे इसका, इसमें करेंगे तो x * x x² x का इसमें करेंगे प्लस के x,
टू का एक्स में करेंगे तो माइनस के टू एक्स, ठीक है, इसमें वन में करेंगे तो माइनस के वन। ये माइनस के टू है, ये प्लस के एक्स है, इसलिए माइनस का टू इंटू प्लस के एक्स माइनस के टू एक्स हो गया। ये माइनस के टू और ये प्लस का वन है, माइनस टू इंटू प्लस वन, ये माइनस के टू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इधर एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के थ्री एक्स, माइनस और माइनस के ये एक्स और ये माइनस के, सभी को एक साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर और ये माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स और माइनस के टू एक्स, तो यहाँ पे माइनस के एक्स बचा, और देखो ये प्लस के थ्री एक्स, ये माइनस के एक्स, यानी कि यहाँ पे प्लस के टू एक्स बचा, प्लस के टू एक्स इधर आएगा तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस के टू और ये माइनस का थ्री इधर आएगा तो प्लस का थ्री हो जाएगा, समझेंगे। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस के एक्स और ये माइनस के टू एक्स, तो माइनस के थ्री एक्स हो गया, माइनस के टू प्लस के थ्री यानी कि प्लस के वन बचा, इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखेंगे कि इसके पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, जब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, तो दिस इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, देखें बच्चों नेक्स्ट क्या है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया है, जनरल इक्वेशन ही दिया है, ठीक है, इसमें ए बी सी क्या है वो चीज हमने यहाँ पे बताया है। ए को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, क्या बोलते हैं ए को बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, ठीक है, या फिर लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ए का नाम है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, ठीक है, मैंने लिखा है बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी का नाम क्या है कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स पे ये डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, यहां पे देखो एक्स नहीं है मल्टीपल में, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म, और इसका एक नाम और है ये याद रखना एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, क्या नाम है एब्सोल्यूट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये याद रखना। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपको दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है, आपको फाइंड करना है ए बी सी, ठीक है। तो वही चीज अभी हमने लास्ट क्वेश्चनों में दो तीन क्वेश्चन फोर क्वेश्चन किए थे उसी के जैसे ही है, मल्टीपल करना बस थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन लेंथ लिया, अभी समझना आप लोग, ठीक है। एक्स का मल्टीपल एक्स से करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का मल्टीपल इससे कर रहे हैं तो प्लस के रूट थ्री एक्स हो जाएगा, जब इसका मल्टीपल आप इससे करेंगे तो देखेंगे बेटा टू रूट टू एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीपल आप इससे कर रहे हैं तो समझना टू रूट टू इंटू रूट थ्री इक्वल टू टू रूट सिक्स प्लस फोर, समझे बेटा, आगे समझेंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर देखो ये और ये देखो बेटा दोनों ही एक्स की कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्स को कॉमन ले ले रहे हैं, जब एक्स को आपने कॉमन लिया तो यहां से रूट थ्री बचा प्लस के टू रूट टू बचा, ठीक है, एक्स यहां लिख दिया प्लस, ये देखो रूट टू का रूट टू में मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं टू रूट के अंदर टू इंटू थ्री, और इसको इधर लेके आ जाओ माइनस के टू रूट सिक्स माइनस के फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट टू इंटू एक्स प्लस, ये आपका देखो टू रूट सिक्स और ये भी टू रूट टू सिक्स है, तो ये तो आपका प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों ही बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना माइनस के फोर इक्वल टू जीरो। आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी रूट थ्री प्लस टू रूट टू, कॉमा सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के फोर, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि रूट वाली वैल्यू है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप समझना अच्छे से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से नोट करो, नेक्स्ट लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू कर